कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोग निकले हुए हैं, बारिश हो रहा है, मौसम गार्डन गार्डन हुआ पड़ा है, बारिश से दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, तो वही निकले हम लोग नहाने, और आपको दिखाते हैं भाई बेतिया का व्यू बारिश में कैसे होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। ये देखिए रजमुआ भाई ओवर होता ब्रिज, है, रजमुआ आने दो होता भाई आने है, दो। रहने तो तो नहीं यार ओवर ब्रिज पहले पास में होने से आओ। ये जगह आप पहचान सकते हैं कौन सा जगह है, छावनी है। देखिए ये बारिश में कितना जबरदस्त दिख रहा है, ये देखिए मौसम मौसम और इधर मौसम ही मौसम है भाई। अच्छा अच्छा मौसम, मतलब आप समझ ही सकते हैं बारिश का मौसम है तो। अरे भैया मारो दीजिएगा, कहाँ हो आप? दे इसे गलत मीनिंग समझ ले रहा है भाई। ये देखिए भाई सब लोग आए हुए हैं, चलना सीधे। ये देखिए इन सबका हाल क्या हुआ पड़ा है, सब कोई बचने के लिए इधर लुके हुए थे, रुके रुके हुए थे बोले हैं, लुके हुए नहीं थे, लुके हुए हो गए भोजपुरी। हम लोग अब पहुंचने वाले हैं सुप्रिया। सुप्रिया अब लगता है जैसे बच्चों का छुट्टी होगा, सेंट जोसेफ स्कूल का ये गर्ल्स स्कूल है, अभी तो छुट्टी हुआ नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता आप लोगों को। बारिश में क्या ही मौसम जबरदस्त होता है भाई। अभी हम लोग निकले हैं भाई कि चलते हैं वीडियो बनाते हैं, बारिश अच्छा खासा हो रहा है, और जैसे हम लोग निकले तो दो कदम चले हैं बारिश छुड़ी है, बताइए। ये ऐसे होता है, दिल बोला होगा खत्म होगा तो है नहीं भाई, फोन मोबाइल कर देंगे रहीम के पास कि भाई तेल खत्म हो गया। ये है सुप्रिया रोड, कितना भाई आप लोगों को तो मैं दिखा दिया हूँ सुप्रिया रोड की, आप लोगों को अब जवान पे बैठ गया होगा कि भाई ये सुप्रिया रोड है। और ये रहा भाई गरीबों का मॉल, विशाल मेगा मार्ट, जहां पे आप अमीरों जैसे शॉपिंग करते हैं और अमीरों जैसे दिखते हैं। मोबाइल मत चिल्लो तो। अरे बारिश में कौन मोबाइल छीनेगा भाई। और जावेद हबीब, यहाँ पे अमीर लोग आते हैं। अरे बारिश होने लगा भाई, मौसम बारिश होने मौसम वाला है। मौसम बदलने लगा, अरे साला मौसम बदल रहा है, ये क्या बात हुई यार, मौसम बदलने लगा तो झिलझिलाहट आने लगा। कैप्चर करो भाई मौसम को यार। मौसम आने दो कैप्चर भाई आने, फाइन क्या करके मारते रहता। हेलमेट अच्छे देखता और एक और यहाँ पे भाई वैल्यू एंड वैरायटी V2 गरीबों का मार्ट। और ये एक ऐसा बाजार है भाई कोलकाता बाजार, जहाँ पे मैं एक बार शॉपिंग किया और दूसरी बार गया तो पता चला बंद हो गया, यानी मनहूसियत लग गया भाई उसको मेरा। सोचिए इतना मनहूस आदमी है, वीडियो भी बनाते हैं तो जल्दी वायरल नहीं हो रहा है, मनहूस ही है ना भाई। ये जगह तो आप लोग जानते हैं स्टेशन चौक, ये वो जगह है जहां से लोग एक दूसरे जगह से दूसरे जगह जाते हैं, स्टेशन चौक, यानी यहाँ पे बस स्टैंड भी है और रेलवे स्टेशन भी है। हम लोग तो अभी घूम रहे हैं, बस नजारे आपको दिखाते हैं भाई। और ये मौसम देखिए और ये रास्ते देखिए, आप कभी इस रास्ते में आए हैं? नहीं आए होंगे, ट्रस्ट मत करो भाई मेरे को, ऑडियंस करे तो समझ में आता है यार। इधर दूसरे मौसम दिखता है, इधर अच्छा कौन सा मौसम दिखता है भाई? ये रात वाला मौसम दिखता है ना। ओह अरे समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, और ऑडियंस भी समझदार है भाई, वो भी समझ जाए। ये शकल देख रहा है ना भाई, कितना सराफत वाला शकल है, और क्या बता रहे हैं आपको पता है ना, रात वाला मौसम, आप समझ रहे हैं ना ये रात वाला मौसम क्या है। ये क्या किस्मत है भाई, हम लोग वीडियो बनाने यार इसको ही पता चल गया, हम लोग को रोक दिया। अरे ये जगह आप नहीं घूमे होंगे, या फिर आप लोगों में से कुछ लोग इधर नहीं आए होंगे, तो मैं बता देता हूँ, ये है बानू छापर, जो कि बेतिया का अदर साइड है, यानी छावनी के तरफ, छावनी से एक रास्ता आता है और एक स्टेशन की तरफ से रास्ता आता है, जिधर से हम लोग जा रहे हैं स्टेशन वाला रास्ता है। डेवलप्ड हो रहा है ना भाई, ये बहुत पहले से बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो रहा है।
ये रोड आपको दिख रहा है पहले ये नहीं था, रोहित 4 लेन वाला रोड बना है, सोच सकते हैं कितना डेवलप्ड हो रहा है ये इलाके। और इधर ही है अपना ड्रीम बाइक का शोरूम, और चलते चलते इधर थोड़ा हरा भरा भी मौसम है, ये पेड़ वेड़ लगे हैं तो वो भी दिखा रहा हूँ आपको ना भाई, एकदम ये वाल का पेड़ दिख रहा है, है ना। ये वाल का पेड़ दिख रहा है इधर, वो अरे इसीलिए तो भाई मैं बोला हूँ कि कब पेड़ हम घुमाते हरा हैं। भरा दिखाऊंगा फोटो में, जब बात आई थी चार बाथरूम इसीलिए मैं बोला हूँ भाई कि सारे जगह घुमा चुका हूँ बेतिया में, इधर का भी घुमाते हैं। का। और ये है भाई बहुत पुराना घर, अंग्रेजों के जमाने का घर हो सकता है, ऐसे फेंकता नहीं हूँ मैं लेकिन यहाँ पे फेंक रहा हूँ। टेकल टेकल फ्लावर बन जाएंगे ये बात सही बोला, ब्लॉगर ऐसे ही नहीं बनते हैं, फेंकना पड़ता है। क्या फेंकना पड़ता है भाई, जो मिल जाए वो फेंकना होता है। फ्लावर बहुत से बच्चों का भविष्य यहाँ से ही हुआ है, का बना है। है। गोस्वामी महा महंत राम रूप गोस्वामी महाविद्यालय, इसको बाबा कॉलेज भी शायद बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ये है भाई रॉयल इनफील्ड, अपना ड्रीम बाइक भाई इसी में से निकलाएगा, पता है ना क्या निकलाएगा, मैं निकालूंगा जब बाइक पे दिखाऊंगा। भौतिक नक्षत्र भी लागल आपका वहां हुई इसको पे आधा घंटा लगा, यहाँ पे भी लगेगा। तो पहुंच चुके देखा हैं भाई छावनी में है, अब ट्रेनवा यहाँ पे दिखाते ने गया हैं। बड़ा धीरे धीरे चल रहा था लेकिन अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए। और ये देखिए भाई क्या तरक्की हुआ है भाई छावनी में, यहाँ पे आप इलगा नाव चला सकते हैं, मिनी नाव यहाँ पे आप चला सकते हैं, या फिर यहाँ पे तैर भी सकते हैं। काफी अच्छा हम लोग फंसे हुए हैं भाई, देखिए ये ओवर ब्रिज के हम लोग नीचे फंसे हुए हैं, टाउनी के ओवर ब्रिज है वहां पे हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग वीडियो बनाने के चक्कर में दो जगह जाम में हम लोग फंस गए, आधा आधा घंटा हम लोग का गया है। देख रहे हैं भाई क्या ही हेवी जाम लगा हुआ है, थोड़ा बहुत जाम में मन लग जा रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन लग जा रहा है। ये जाम बताता है भाई कि ओवर ब्रिज पूरा कंप्लीट जल्दी होना कितना जरूरी है। ये मौसम देखिए क्या ही हेवी हुआ पड़ा है, बारिश हो जाए तो कितना मजा आएगा। बारिश हुआ है भाई, पूरा पानी तक सूख गया है, पानी पानी हो गया कोई ओके। फर्क नहीं पड़ा भाई, ये ऐसा बारिश हुआ है। हम लोग मजे मजे में निकले कि चलो भाई वीडियो बनाते हैं। जाम में आधा आधा घंटा फंस गए। अरे हर जगह फंस गए, अगर नहीं फंसे होते तो अच्छा खासा ब्लॉग हो जाता बारिश वाला। ये छावनी का ओवर ब्रिज, तरफ तो तैयार है, बीच का बाकी है। हाँ दोनों तरफ तैयार है और बीच में बाकी है, और ये कब बनाएगा यही नहीं पता है। देख रही थी भाई दोनों तरफ का रेडी है, बस यही बीच वाला बाकी है। इसकी अम्मा का बुआ का डेथ हो गया अच्छा ये बात है कर इसलिए बाकी है। वो बोला है 27 में तैयार कर देंगे अच्छे से प्राइस, इसीलिए अभी उसका अम्मा का 2 साल 3 साल तक का डेट मनाएगा ना आंसू। अम्मा का अच्छा अम्मा के बुआ का, बुआ ऐसा बारिश है कि देख लीजिए पूरा कपड़ा तक सूख गया है, गाड़ी पे ही सूख गया। ये भाई ये मेन हाईवे और यहाँ पे पानी लग रहा हमारे है, ये दुकान के ऐसे हाल है सामने, भाई बेतिया का, हमारे दुकान के सामने और वो भी इस पानी दुकान के सामने। पानी सरकार हमारे दुकान के सामने पानी लग रहा है। पानी